तो आप सभी का स्वागत है ईशान एंड मॉम ब्लॉग्स में। 14 तारीख मॉर्निंग से ब्लॉग की शुरुआत होती है और किचन से देख सकते हैं क्या क्या बन रहा है। मंचूरियन बन रहा है और नूडल्स बन रहे हैं, यानी कि चाउमीन बन रहा है, और अभी प्लेट्स में निकल भी रहे हैं क्योंकि ये ब्रेकफास्ट में है। उसका मसाला उधर फ्राई करके रखा हुआ है और पूरा किचन अस्त व्यस्त है। और अभी लंच की भी तैयारी करनी है, तो यहाँ देख सकते हैं आलू उबाले थे तो माँ छील कर रख दी हैं। चाउमीन बहुत ज़्यादा स्टिकी जैसा लग रहा था तो उसको भाभी कपड़े पर डाल दी हैं। पालक उबाल के रखा हुआ है पूड़ी के लिए। और यहाँ बच्चे कर रहे हैं इंतज़ार ब्रेकफास्ट का क्योंकि लेट हो रहा है बनाने में, और टीवी देख रहे हैं सब इंतज़ार करते करते। और ये दोपहर हो चुकी है, सब खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और ईशान मोबाइल लेकर बैठा हुआ है तो पुलाव भी बन चुका है देख सकते हैं। उसके अलावा भी गर्म था तो इस वजह से यहाँ पर ढककर रख दिए थे कि फ़ैन चल रहा था तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है ना, और गर्मी आज बहुत ज़्यादा है। इधर सलाद काटा हुआ है, आलू पटल की सब्ज़ी है, उसके अलावा इधर दाल है। पुलाव के लिए दाल तो बनाना ज़रूरी था है ना, तो ये दाल भी बना दिए हैं। और पालक की पूड़ी है, ये मंचूरियन जो मॉर्निंग में बना था तो वो मंचूरियन है, और ड्राई भी रखा हुआ है ग्रेवी बनाने के लिए कि जब ज़रूरत होगा तो बन जाएगा। पालक पूड़ी है, अभी जितना खा रहे हैं बच्चे उतना ही पूड़ी निकाला जा रहा है। ये आम की चटनी है, ये मशरूम की सब्ज़ी है, और लगभग सारे लोग खा चुके हैं, मतलब खा के बच्चे उठेंगे तो आम की चटनी आज ज़रूरी हो जाता है ना। हमारे यहाँ 14 अप्रैल को सतुआन मनाया जाता है तो आम की चटनी बनती है, सलाद सब कुछ, मतलब हो अस्त व्यस्त किचन का हाल देख रहे हैं किस तरह का हाल हो रखा है। तो खाने पीने के बाद इसको ठीक किया जाएगा। कुक का ले रहे हैं जो पूरा उसमें से खाना बनाने में लगी हुई है। मेरा कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं है बेटा बनाने में, तो अब मम्मी को क्रेडिट जाता है। कैसा बना हुआ है संजू, कैसा बना हुआ है? तैयार भी तो अच्छा है। कह रहा था कि मम्मी तुम मत बनाना। क्रिस, अंशु, अंकित, बड़ी मम्मी कैसा खाना बनाई है बेटा? बढ़िया बनाई है ना? सब बच्चा कह रहे हैं कि अच्छा है। तो सबके खाने के बाद बैठ गए हैं अभी हम लोग भी खाने, मतलब कुक लोग बैठ गए हैं खाने के लिए। और भाई बोली मेरा वीडियो नहीं लेना क्योंकि अभी हम लोग बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हैं, कपड़ा भी चेंज नहीं किए हैं नहाने के बाद। किचन में लगने के बाद हम तो बना नहीं रहे थे, भाभी बना रही थी, हम तो सिर्फ बाहर का इधर उधर का कर रहे थे। और इतना गर्मी आज है पटना में, इतना ज़्यादा 42 डिग्री टेम्परेचर है, एकदम फैन का हवा तो इतना गर्म लग रहा है कि क्या बताएं। हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं और ऊपर वाले फ्लोर का छत इतना तपता है कि क्या ही बताएं। तो 4 बजने वाले हैं और हम लोग खाना खा रहे हैं, और ये है खाना आज का मेन्यू, दिखाए ही है, दाल पुलाव पूड़ी पालक पूड़ी और मंचूरियन है। मंचूरियन तो सुबह बना था चाउमीन के लिए, तो मंचूरियन भी है, मशरूम है, आलू पटल है, और आज सतुआन है तो आम की चटनी है, सलाद है, और फटाफट हम लोग खा लेते हैं नहीं तो पता चलेगा 5 बज जाएगा। तो फिर मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर के बाद। हम लोग खाना खा रहे थे तो संजू एक फ़ोटो क्लिक किए, भाभी फ़ोटो नहीं खिंचवाना चाहती हैं क्योंकि बोलती हैं कि मेरा शरीर अच्छा नहीं लगता है, वो थायराइड की वजह से ना ऐसा हो गया है, नहीं तो ऐसी नहीं थी वो पहले। और ये खाना खाकर उठे तो हमको इतना खुशी हुआ, मेरी दीदी जीजाजी और दोनों बच्चे गुनगुन और चिरंजीवी। तो हाँ, बाबू का नाम चिरंजीवी है, तो सब लोग आए हुए थे। हालांकि वो लोग ज़्यादा देर तक नहीं रुके, लेकिन वो लोग आए ये मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा खुशी की बात है और बहुत अच्छा लगा मुझे। और ईशान भी बहुत खुश हुआ। चलते हैं ईशान, है ना? हैप्पी बर्थडे बाबू चिरंजीवी। केक आ रहा है बाबू, इसीलिए तो बोल रहे हैं रुक जाओ बाबू। तो तुम्हारा वाउचर लाइट बंद रहते हैं ना? कहाँ ताला मार जाएगा, फिर अपने आएगा, ताला मार जाएगा। अच्छा, और शाम के लिए हम सोचे कोई सूट पहन लेंगे, तो भाभी बोली कि नहीं साड़ी ही पहनो, साड़ी में ज़्यादा अच्छी लगती हो, तो अब अच्छा क्या लगना है, लेकिन फिर भी सोचे चलो पहन ही लेते हैं। तो ये एक बहुत ही पुरानी सी साड़ी निकाले हैं अपनी, लेकिन पहने नहीं है तो नया ही दिख रहा है ना।
और यहाँ बच्चे कर रहे हैं तैयारी, तो सारे बच्चों ने ही मिलकर मतलब सारा काम किया है सुबह से अभी तक, जो भी काम लाना करना जो भी काम है। तो घर का ही छोटा मोटा सेलिब्रेशन है, ये घर के ही लोग हैं और बच्चे सच में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो मुझे कुछ करना नहीं रहता। तो बच्चे सब लगे हुए हैं, अभी भी बलून लगा ही रहे थे और बहुत अच्छा लगता है ना, इतने में ही इंसान इतना खुश हो जाता है और मन तो करता है कि बहुत सारे लोगों को बुलाए, लेकिन गर्मी के कारण, और फिर सोचते हैं कि मेन कारण गर्मी का ही होता है। इंसान अपने फ्रेंड को भी बुलाना चाह रहा था, अभिनव रंजन उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है, मेरा भी मन था, लेकिन उसकी तबीयत इंसान की ठीक नहीं है, फिर सोचे वो भी तो छोटा बच्चा ही है, तो इसी डर से हम फिर नहीं कॉल किए। और ये केक है तो ईशान दो दो केक काटा तो ये केक तो हम मंगवाए थे और ये बड़े पापा लेकर आए थे, बोले चलो कोई नहीं दो दो केक काट लेगा ईशान और हम लोग बहुत सारा केक खा लेंगे तो फिर ईशान का तो मन था कार वाला डिजाइन केक के ऊपर बनवाने का, तो सैंडविच से केक हम मंगवाए थे, लेकिन कार का डिजाइन 2 पाउंड में नहीं बन रहा था, 4 पाउंड में, तो बोले 10 साल के हो जाओगे तो 4 पाउंड का काट लेना, अभी 2 पाउंड का ही तुम काट लो केक। तो ये है केक, और बस अब केक कटिंग होगा, और ईशान को केक काटने से ज़्यादा गिफ्ट वगैरह का इंतजार रहता है। कट जाएगा, कट जाएगा, वो सैंडविच इसलिए दिए हैं काटने के। तो ईशान यहाँ पर ना बहुत ही अच्छा डांस कर रहा था, लेकिन जब बाद में हम लोग बोले करो बेटा तो नहीं किया, भैया सबके सामने कर रहा था, फिर कुछ वीडियो भी बच्चे बनाए हैं पहले, तो वो शायद देखिए अभी तो इसमें ऐड नहीं कर पाए हम, शॉर्ट्स में डाल पाएंगे, तो बहुत अच्छा डांस कर रहा था, हमको तो पता ही नहीं था कि मेरा बेटा इतना अच्छा डांस करता है। तो आज मेरा बेटा यानी 14 अप्रैल को मेरा बेटा 9 ईयर्स का हो गया, 9 ईयर्स इसके हो गए और पापा के जाने के बाद ये तीसरा बर्थडे उसका है। तो है ये बात तो है कि वो रहते तो थोड़ा सेलिब्रेशन और ज़्यादा होता और अच्छे से होता, लेकिन फिर भी सोचते हैं कोई नहीं छोटा मोटा ही सही, लेकिन उतने में बच्चा मेरा खुश हो जाता है, बहुत खुश होता है। तो इस वजह से, और अंशु भैया यहाँ 9 लगाए हैं तो 9 उल्टा था, तो बोले बेटा इसको सीधा कर दीजिए, तो ब्लो किए, तो हमको हंसी आ रहा था कि पहला बर्थडे उन्हीं का हो गया, कैंडल ब्लो किए अंशु भैया ईशान के। तो ये हो गया, और अब ईशान को केक काटने से ज़्यादा ये सब जो हो सेलिब्रेशन होता है ना कि सब लोग इकट्ठे हों, तो वो हमेशा अपने आसपास ना लोगों को वो सोचता है मेरे आसपास लोग रहें, उसको वो चीज़ बहुत पसंद है। तो ये बात तो है, अकेले कोई नहीं रहना चाहता, लेकिन क्या करेगा, इंसान की मजबूरी है ना। नहीं बेटा बात ही इसु दादी को पहले, दादी को बेटा रोएगा बाबू, रहने दीजिए खबर में। उधर का सब ईशान का, इधर आओ थोड़ा सा खा लो, भैया सबको खिलाओ, भैया सबको खिलाओ, एक बैठ भैया सबको खिलाओ, कान में चला गया। अच्छा अच्छा आप पूछ देंगे, पूछ देंगे, अच्छा पूछ देंगे, पूछ देंगे, बाद में नहीं लगाएंगे। भैया संजू भैया को खिलाओ, प्रेम भैया सबको खिलाओ, सबको खिलाओ अपने हाथ से, वही लगाएगा तब तो हो गया। इधर आइए, केक सा देगा कैसे, तब इधर आइए। जब गिर गया तो इसको मुंह में नहीं गया तो इस साधेगा कैसे है। हाथ में हाथ
घर भी तो लग रहा है इतना कि हालत खराब है। बस बर्थडे का खुशी यही है इसका। खुश बाबू खुश। उन्हें बेटा उन्हें बेटा बंद कीजिए तो बेटा। कल कल कल। ईशान जा उधर सुनो ना इस अभी जा उधर पहले जाओ जाओ दादी सब सट के खड़ा हुई बेटा सब सट के खड़ा हुई। तो क्या हुआ आ जाइए ना उधर आ जाइए। तो केक कट गया तो फैमिली फोटो शुरू हो गया है ना। तो फैमिली फोटोग्राफी यहाँ पर हो रहा है देख सकते हैं हम सेल्फी ले रहे हैं और सारे बच्चे बहुत खुश हैं। ईशान भी बहुत खुश है और बस उसको गिफ्ट फाड़ना है जल्दी जल्दी। तो यहाँ केक कट गया तो ईशान को बस उसको तो जल्दी जल्दी गिफ्ट खोलना था तो खोल के देखने लगा और कार और टॉयज तो उसके फेवरेट हैं तो बस वो मिल जाए तो इतना एक्साइटेड होता है इतना खुश होता है तो फटाफट फटाफट सब खोल के देख रहा है। और हम लोग लग गए किचन में प्लेट्स लगाने में। तो यहाँ पर ईशान को खाने से कोई मतलब नहीं रहता है वैसे भी वो खाता नहीं है। भाभी यहाँ पैसा दे रही थी वो भी नहीं ले रहा था सिर्फ गिफ्ट देखने में तो भाभी पैकेट में डाल दी थी। और अंशु भैया चेस दिए हैं तो उसी में लगा हुआ है कि इसको कैसे खेलते हैं सिखा दो कैसे इसका गेम होता है मतलब हमको खुद नहीं मालूम है हम तुमको क्या बताएंगे कि चेस कैसे खेलते हैं। तो इसी तरह से बच्चा खुश था और फिर हम लोग खाए पिए समोसा कटलेट गुलाब जामुन केक कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिए माजा थम्सअप। उसके बाद थोड़ा हम लोग बैठे गपशप किए और ईशान रूम बंद करके भैया सबके साथ बहुत डांस किया बहुत। हम लोग तो दूसरे रूम में थे वो दूसरे रूम में जाकर बहुत डांस कर रहा था और एकदम जब आया तो देखे पसीना से तर बतर लगता है फैन वगैरह सब बंद करके डांस कर रहा था। लेकिन हाँ बच्चा बहुत इंजॉय किया और हम लोग भी बहुत इंजॉय किए बच्चे के साथ साथ। तो लास्ट में हम भी अपने बेटे के साथ एक फ़ोटो क्लिक किए और फिर लगे किचन वगैरह की सफाई करने में। उसके बाद थककर चूर चूर हो चुके थे। तो आज के लिए इतना ही लेते हैं विदा मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हमें सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर बाय बाय स्टे कनेक्टेड।